पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान गए हुए हैं। जब सम्मेलन के बाद रविवार शाम पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो कुछ अलग ही चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। दरअसल जैसे ही पीएम मोदी हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां के पीएम जेम्स मरापे ने उनके पैर छूकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, भारत के पीएम को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन आइए जानते हैं कि कौन है जेम्स मरापे, जिन्होंने भारतीय पीएम के स्वागत के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण परंपरा तोड़ी। सबसे पहले उस परंपरा के बारे में आपको बताते हैं जो भारत द्वारा तोड़ी गई थी। दरअसल पापुआ न्यू गिनी में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी वो पहले शख्स हैं जिनके लिए इस देश ने अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़ा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जेम्स मरापे के साथ साथ भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय पापुआ न्यू गिनी गए हैं। बीजेपी नेता और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने इस पर लिखा है कि वैश्विक समुदाय इस तरह से भारत और भारत के नेता और संस्कृति का सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से भी ये वीडियो शेयर किया गया है। ट्विटर पर बीजेपी ने लिखा कि सम्मान के तौर पर पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पीएम मोदी के पैर छुए। वहीं ओलंपिक मेडल विजेता योगेश्वर दत्त ने लिखा है कि अपने व्यक्तित्व से सम्मान कमाना क्या होता है, इसका अद्भुत उदाहरण आज देखने को मिला जब पापुआ न्यू गिनी के माननीय पीएम ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। महिला पहलवान बबीता फोगाट ने भी इस पल को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा है कि कोरोना महामारी में वैक्सीन भेजकर पीएम मोदी ने वहां के लोगों के लिए किसी फरिश्ते जैसा काम किया था, आज वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत को दुनिया मान रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिर भारत और पापुआ न्यू गिनी के रिश्ते कैसे हैं। पापुआ न्यू गिनी में भारत ने अपना उच्चायोग 27 साल पहले अप्रैल 1996 में खोला था। इसके 10 साल बाद यानी कि 2006 में पापुआ न्यू गिनी में भी भारत अपना उच्चायोग शुरू किया। साल 2016 में प्रणब मुखर्जी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। भारत पापुआ न्यू गिनी को टेक्सटाइल, मशीनरी, खाद्य पदार्थ, दवाओं, सर्जिकल आइटम्स, साबुन, वॉशिंग पाउडर जैसे जरूरी सामान निर्यात करता है। लेकिन भारत समय समय पर पापुआ न्यू गिनी को मानवीय सहायता भी देता रहा है, जिसने दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद की है। जब दुनिया भर में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी और टीका बनाने वाले बड़े देश इसके निर्यात पर रोक लगा रहे थे, उसी दौरान भारत ने पापुआ न्यू गिनी को कोरोना वैक्सीन की तकरीबन 1,31,000 खुराक दी थी। दरअसल पापुआ न्यू गिनी अक्सर ज्वालामुखी, भूकंप और समुद्री तूफान का शिकार रहा है। भाषाई तौर पर उनकी गिनती दुनिया के सबसे विविध देशों में होती है। यहाँ 700 से अधिक भाषाएं हैं। पापुआ न्यू गिनी की करीब 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में कम या न के बराबर सुविधाओं के साथ गुजर बसर करती है। सुदूर पहाड़ी इलाकों में बहुत सी जनजातियां ऐसी जो बाहरी दुनिया से कटी हुई है। ये लोग खेती के जरिए जीवन यापन करते हैं। साल 1906 में इसका नियंत्रण ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया को मिला और साल 1975 में ये देश ऑस्ट्रेलिया से भी पूरी तरह आजाद हो गया था। जेम्स मरापे पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नेता है। कुल मिलाकर के भारत जिस तरीके से वैश्विक लिहाज से लगातार आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है। और बड़ा सवाल ये है कि आखिर पीएम मोदी के पैर छूने वाले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन है। जेम्स मरापे साल 2019 से प्रधानमंत्री है और वो पांगू पार्टी नाम की पार्टी के नेता है। 52 साल के हो चुके मरापे ने पापुआ न्यू गिनी की यूनिवर्सिटी से 1993 में स्नातक की पढ़ाई की। उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषयों में डबल पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। मरापे पापुआ न्यू गिनी के 8वें प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले की सरकारों में भी वो कई अहम विभागों के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर पांगू पार्टी ज्वाइन की। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार गिराने की नाकाम कोशिश भी की गई। लेकिन कुल मिलाकर के पीएम मोदी का G7 का दौरा वैश्विक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से उनका सम्मान किया गया, तमाम वैश्विक नेताओं की नजर हिंदुस्तान के हर कदम पर होती है, उसको देखते हुए ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज TV।